हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में बात करें क्लास 12th इंग्लिश मीडियम CBSE बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, हम लोगों ने आज तक क्या किया था, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 16 में हम लोगों ने क्या किया था, एयर पोल्यूशन को पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, और एयर पोल्यूशन के अंदर कौन कौन से पॉल्यूटेंट है और किस तरीके से वो रिमूव किए जाते हैं, हम लोगों ने वो पढ़ा था। आज भी लोग बात करें बेटा इंडिया के अंदर जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट है, जो कि एयर एक्ट है, केम इन फोर्स, यानी कि उसको कब लागू किया गया, 1981 में, नॉट वाज अमेंडेड इन 1970। अच्छा, ये 1987 में बेटा केवल इनको अमेंडेड नहीं किया, इंक्लूड नॉइस एज एन एयर पॉल्यूटेंट, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि इसमें उनको उन्होंने नॉइस को भी रखा। ठीक है ना, नॉइस इज एन अनडिजायरेबल। अच्छा, शोर क्या है, एक अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड है जो हमारे कान जो है वो एसोसिएशन लाउड साउंड्स विद प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट, नॉट लिसनिंग दैट नॉइस कॉज द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द ह्यूमन बींग्स। अच्छा, नॉइस क्या है, एक ऐसा साउंड है, एक ऐसी आवाज़ है जो हम लोगों की हमारे कान सहन नहीं कर सकते, और कान सहन तो नहीं कर सकते, लेकिन अब क्या है कि वो उसको उसके कारण हमारे शरीर में बेटा फिजियोलॉजिकल और आप लोगों का साइकोलॉजिकल काफ़ी चीज़ें बीमारियां भी होती है। द बिगर सिटी, बड़े बड़े शहर जो हैं, बिगर इन द फंक्शन, जिनमें बड़े बड़े काम होते हैं, द ग्रेटर इन नॉइस, उनके अंदर शोर भी बहुत ज़्यादा होता है। ए ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल 150 dB और मोर जनरेटेड बाय टेक ऑफ ए जेट प्लेन और रॉकेट। ठीक है ना, उनको जेट प्लेन और रॉकेट यानी कि जहाँ पर जाते हैं उनमें 150 डेसिबल से ज़्यादा का शोर होता है। ठीक है, मे डैमेज ईयर ड्रम्स, या आपके कान का पर्दा, ये होता है कान का पर्दा, ठीक है, ईयर ड्रम्स को डैमेज करेंगे, दस परमानेंटली इम्पेयरिंग हियरिंग एबिलिटी। ठीक है ना, जो हमारी हियरिंग एबिलिटी को क्या करते हैं, इम्पेयर कर देते हैं। इवन क्रोनिक एक्सपोजर टू रिलेटिवली लोअर नॉइस लेवल, ठीक है ना, और क्या करते हैं कि जो आप लोगों का लोअर नॉइस लेवल है उसको भी क्या कर देते हैं, जनरली क्रोनिक लेवल के ऊपर लेके आते हैं। ठीक है ना, नॉइस ऑल्सो कॉज द स्लीपलेसनेस। ठीक है, अच्छा, ये क्या क्या करता है नॉइस में, देखो ह्यूमन के मतलब सुनने की क्षमता तो होती है, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस, नींद नहीं आना, हार्ट बीट बढ़ जाती है, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, दस कंसिडरेबली स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है ना, इनमें ब्रीथ रेट बढ़ जाएगी, ठीक है ना, आप लोगों का सांस लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इससे क्या है कि शोर के कारण मनुष्य में क्या होता है, बेसिकली मनुष्य के अंदर बेसिकली क्या होता है बेटा, उसमें बेसिकली स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। कंसिडरिंग द मेनी डेंजरस इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, अच्छा ये सारे इफेक्ट हैं, तो इसके बाद नॉइस आप लोग कैसे इनको रेमेडी को कर सकते हैं विदाउट फाइनेंशियल लॉस ऑफ एनी बॉडी। रिडक्शन ऑफ नॉइस इन आर इंडस्ट्रीज कैन बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट। अच्छा, हम लोग क्या करें भाई, इंडस्ट्रीज में से अगर आप लोगों को उनको कम करना है तो साउंड इफेक्ट या मफलिंग नॉइस लगाओ। ठीक है, स्ट्रिंजेंट फ्लावर ऑफ लॉज लेट डाउन द रिलेशन टू नॉइस लाइक डिमिलिटेशन ऑन हॉर्न फ्री जोन्स। अच्छा, अब जो भाई हॉर्न फ्री जोन्स है, हॉर्न फ्री एरियाज है, वहाँ पर आप लोग नॉइस को ना करो। ठीक है, तो ये पैरा आपका किसका है बेटा, नॉइस पोल्यूशन का है। किसका है, नॉइस पोल्यूशन का। आप लोग पर व्हीकल्स वगैरह के अंदर नहीं करो, फायर क्रैकर्स वगैरह ना नहीं चलाएं। ठीक है ना, लाउड स्पीकर्स का मत करो, उनकी एक प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए कि मैं इस समय के पश्चात कभी भी लाउड स्पीकर वगैरह का काम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नीड टू बी एनफोर्स्ड और प्रोटेक्ट द आवरसेल्व्स फ्रॉम द नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, कंट्रोलिंग व्हीकलर एक्ट, व्हीकल एयर पोल्यूशन एक्ट के अंदर क्या होता है, केस ऑफ स्टडी ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली में क्या करें, अब देखो क्या करें, विद इट्स वेरी लार्ज पॉपुलेशन एंड व्हीकल ट्रैफिक दिल्ली लीड टू द कंट्री इन द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। दिल्ली के अंदर बेटा एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इट इज मोर कार्स देन द स्टेट्स गुजरात एंड वेस्ट बंगाल पुट टुगेदर। अगर हम लोग गुजरात और वेस्ट बंगाल दोनों की बात करें तो दोनों को अगर एक साथ रखें तो सबसे ज़्यादा कार दिल्ली में। 1990 में दिल्ली की जो रैंक थी वो 41 थी। ठीक है, एयर पोल्यूटेड कंट्री में, और एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इन द दिल्ली बिकम सो सीरियस इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ओके, डिजिटेशन वास फेल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फेल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर बींग सेंसस्ड वेरी स्ट्रांगली बाय द सुप्रीम कोर्ट, बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस डायरेक्टिव द गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू टेक विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड अप्रोप्रिएट मीजर्स इंक्लूडिंग स्विचिंग ओवर द एंटायर फीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा, आप पता है क्या है कि गवर्नमेंट ने पहले ही सारे के सारे चीज़ें लॉन्च की, लेकिन वो क्या चीज़ें फेल हो गए। अब क्या होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा तो उससे क्या हो गया कि नॉर्मली अब उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर CNG कंप्रेस नेचुरल गैस भी, ओके, ऑल द बसेस ऑफ द दिल्ली वर कन्वेंट टू द, अच्छा अब जो सारी बसेस है दिल्ली गवर्नमेंट की उनको बेटा CNG से चलाया गया बाय द एंड ऑफ 2002। ठीक है, 2002 के अंत तक उनको सबको CNG में कन्वर्ट कर दिया। यू मे आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई
टू वाई सी एन जी इज बेटर देन द डीजल। अच्छा सी एन जी बेटर क्या है, तो उसका आंसर देखो क्या है, सी एन जी की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये क्वेश्चन आता है कई बार। सी एन जी जो बहुत तेज गति से चलती है एक तो, अनलाइक पेट्रोल और डीजल। ओके इन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के अंदर इट इज वेरी लिटिल एंड वेरी लिटिल और इट इज लेफ्ट अनबर्न, ठीक है ना। अब वो कम होती है और वो क्या है नॉर्मली भाई कुछ दिनों के लिए, मतलब अगर अगर हम लोग बात करें तो वो सेफ नहीं बचती है, उसमें क्या है कि काफ़ी चीज़ें होती है कि वो क्या हो जाती है नॉर्मली बहुत जल्दी जल जाती है। सी एन जी चीपर देन पेट्रोल, दूसरा है कि पेट्रोल डीजल से चीपर है। कैन नॉट बी शिफॉन्ड ऑफ बाय द थीव्स एंड, अच्छा ये शिफॉन्ड ऑफ होना चोरी करना, क्या करना चोरी करना भाई, चोर और जो नॉर्मली ऐसे लोग हैं जो डीजल और पेट्रोल चुराते हैं उनसे चोरी भी नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। द मेन प्रॉब्लम बाय स्विचिंग ओवर, ठीक है स्विचिंग ओवर। अच्छा अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है भाई, सी एन जी अगर ठीक है आप यूज़ तो करो, लेकिन इसमें क्या है कि अंदर जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन नहीं बिछा सकती रिवर्स सी एन जी, सी एन जी को, ठीक है, थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, ठीक है। पंप अहेड पंप एंड एंसरिंग इंटरप्ट सप्लाई, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली साथ साथ द पैरेलल स्टेप्स, जो पैरेलल स्टेप होते हैं टेकन इन द दिल्ली फॉर रिड्यूसिंग द व्हीकल पॉल्यूशन इंक्लूडिंग द फेजिंग आर ओल्ड व्हीकल्स। अच्छा आप उसमें पता क्या था कि जो पुराने व्हीकल थे, अब इसमें क्या कह रहे हैं पुराने व्हीकल थे उनको बेटा रिमूव किया गया, यूज़ ऑफ, और दूसरा क्या है सी एन जी के अलावा अनलीडेड पेट्रोल का यूज़ करना, यूज़ ऑफ लो सल्फर पेट्रोल डीजल, ठीक है ना, यूज़ ऑफ कैटलेटिक कन्वर्टर इन व्हीकल, जो मैंने आप लोग कल बताया था, ठीक है, कौन कौन से थे, मॉलिब्डेनम प्लेटिनम और पैलेडियम वगैरह थे। ओके एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन नॉर्म्स लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू ए न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी, एक नई ऑटो फ्यूल पॉलिसी थी उसके साथ साथ उन्होंने क्या है कि रोड मैप एक लेआउट तैयार किया है टू कट डाउन व्हीकलर पॉपुलेशन इंडियन सिटीज मोस्ट। उसमें पता क्या है कि आप लोग एरोमेटिक पेट्रोल वगैरह यूज़ कर सकते यूरिया थर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है ना, और दूसरा क्या है सल्फर और सल्फर का कंट्रोल जो है उसको कम करना, ठीक है, एरोमेटिक फॉर्म के अंदर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो 42% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके द गोल अकॉर्डिंग टू रोड मैप द रिड्यूस द सल्फर 50 ppm पेट्रोल एंड डीजल ब्रिंगिंग अबाउट द लेवल ऑफ 35%, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल, फ्यूल के साथ साथ व्हीकल इंजन्स विल ऑल्सो नीड टू अपग्रेडेड, ठीक है, व्हीकल इंजन्स को भी क्या है अपग्रेड किया जाना चाहिए। मास एमिशन स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं भारत स्टेज टू में, ये भी बेटा इक्वल है यूरो सेकंड नॉर्म्स के अंदर, उसमें अप्लीकेबल है बेटा सिटीज और इंडिया में डिटेल जो है। अब वो क्या करें भाई, अब ये देखो क्या करें कि इन सारे एफर्ट्स को उन्होंने बनाया और बनाने के बाद क्या हुआ कि नॉर्मली आप लोग एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। ओके अगला देखो क्या है, वाटर पोल्यूशन इन इट्स कंट्रोल। वाटर पोल्यूशन देखो, ह्यूमन बींग्स हैव बीन अब्यूजिंग द वाटर, अब्यूजिंग मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट करना, ठीक है, वाटर बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड बाय द डिस्पोजिंग दैम इन टू ऑल काइंड ऑफ वेस्ट। अच्छा मनुष्य जो है उनके चारों तरफ जो जो वाटर बॉडीज है पानी के स्रोत हैं उनको खराब करते हैं किसके थ्रू, उनमें कचरा डालकर। वी टेन टू बिलीव, हमें यह मानना चाहिए दैट द वाटर कैन वॉश अवे एवरीथिंग नॉट टेकिंग कॉन्जनाइज द फैक्ट ऑफ द वाटर बॉडीज दैट यूर लाइफ लाइन दैट आर लाइफ लाइन एज वेल एज द मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब पता है क्या है कि हमें ये तो पता है कि पानी हर चीज़ों को साफ करता है, हर चीज़ों को बहा कर ले जाता है, लेकिन हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ के थ्रू हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि पानी जो है इसके अलावा क्या करता है, ये इसके अलावा पानी जो है आप लोगों के शरीर में भाई हमारे जो ज्ञान है ज्ञान को भी तो वेस्ट नहीं कर पाता है वो, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे देखो क्या करें, थ्रू आउट द रिवर्स। ओके अब कैन यू लिस्ट वट ऑल वी टैन टू ट्राई एंड वॉश अवे थ्रू द रिवर्स एंड ड्रेन्स, ठीक है ना, ड्यू टू सच एक्टिविटीज ह्यूमन काइंड पॉन्ड लेक स्ट्रीम्स, ठीक है ना, रिवर एस्चुरीज एंड ओशियंस आर बिकम पॉल्यूटेड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना। अब ये पता क्या कह रहा है कि हम लोग ये नहीं जान सकते कि हमारी जो सारी की सारी वाटर बॉडीज हैं, पानी की जो बॉडीज है वो किस तरीके से आप लोगों के नॉर्मली पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से वो खराब होती हैं, ठीक है ना। रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस ऑफ द वाटर बॉडीज, ठीक है ना, जो भाई आप लोग किस तरीके से वाटर बॉडीज को साफ कर सकते हो उसके लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पास्ट। अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पास किया रूल, कौन सा रूल था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 में, ठीक है ना। रूल्स बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना, टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज। ओके अब इसमें कौन कौन सा है, डोमेस्टिक और इफ्लुएंट वेस्ट कौन कौन से आते हैं बेटा, देखो डोमेस्टिक वेस्ट में इंप्योरिटीज कौन कौन सी आती है, वाटर है, सस्पेंडेड सॉलिड यानी कि जो उसमें सैंड मिट्टी है, स्लिट एंड क्ले, ठीक है ना, कोलाइडल मटेरियल फेकल मैटर भाई गंदगी है, ठीक है, बैक्टीरिया क्लोथ एंड पेपर वगैरह आते हैं, और डिजोल्व मटेरियल आता है बेटा इसमें कौन कौन सा आता है, न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट में कौन कौन सा, नाइट्रेट अमोनिया फॉस्फेट और सोडियम वगैरह आता है। आई बात समझ में क्लियर है,
तो ये आप लोगों के इसमें डोमेस्टिक वेस्ट आते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, एज वी वर्क विद द वाटर आर होम्स, अगर हम लोग हमारे घर पे बात करें, होम्स इन द सिटीज एंड टाउन्स वी वॉश एवरीथिंग टू द ड्रेन इन टू ड्रेन, ठीक है ना, हम लोग हर एक चीज़ को धोते हैं और उनको बहा देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, वेयर द सीवेज दैट कम्स आउट आर होम्स टू हाउसेस टू, ठीक है ना, वो सीवेज जो हमारे घरों से बाहर निकलता है वो कहाँ जाता है, ठीक है ना। दो आगे क्या करें, वाट हैपन द विलेजेस, गाँव में क्या होता है, इज द सीवेज ट्रीटेड बिफोर द बींग ट्रांसपोर्टेड इन द नियरेस्ट रिवर्स एंड मिक्स इट, कि क्या आप लोग नॉर्मली क्या है कि हम लोग क्या उस सीवेज को क्या करते हैं भाई, क्या उस सीवेज को आप लोग ट्रीट करते हो, ट्रीट करते हो उसको, साफ करते हो, कैसे साफ करना भाई, साफ करना इन द सेंस कि क्या उसे साफ करते हो जब आप उसको एंड ऐड कर रहे हो, नहीं करते हम लोग जी, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, ए मियर लगभग 0.1% इम्प्योरिटीज मेक द डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर द ह्यूमन, अच्छा इतनी परसेंट की इम्प्योरिटीज भी है तो भाई पानी जो है वो आप लोगों के लिए पीने योग्य नहीं रह पाता, ठीक है ना। यू हैव रीड अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ लिया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दो स्टेजेस आती है, फिजिकल ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है ना, बायोलॉजिकल। सॉलिड वेस्ट आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव, अच्छा सॉलिड वेस्ट जो है वो भाई आसानी से रिमूव होते हैं। वट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव आर, अच्छा मेन जो है वो कौन कौन सी चीज़ होती है जो रिमूव की रहती है, आर डिजॉल्व सॉल्ट, उसमें डिजॉल्व सॉल्ट होता है जैसे नाइट्रेट फॉस्फेट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक मेटल आयंस ऑर्गेनिक कंपाउंड डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरी ओके, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ठीक है सॉलिड तो आप पत्थर है वो तो पानी से आराम से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है ना, अब ये सारी चीज़ें बाहर नहीं निकलती। ओके, डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली कंटेन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है विच रेडिली डिकम्पोजेस थैंक्स टू बैक्टीरिया, ठीक है ना। अब इन चीज़ों को बेटा कौन बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा क्या करते हैं, कम करते हैं, विच कैन मल्टीप्लाई द यूजिंग द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड हेंस द इट्स सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सीवेज, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि बैक्टीरिया इन कंपोनेंट को यूज करके उनके ऊपर ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद क्या होता है, इफ इट इज पॉसिबल, अगर वो पॉसिबल है टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल इनऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज वाटर ट्रीटमेंट बाय मेजरिंग द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, अब ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कैन यू एक्सप्लेन हाउ द चैप्टर ऑफ माइक्रो, अच्छा अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पता क्या है भाई, एक लीटर पानी में एक लीटर वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ने के लिए जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया को, वो क्या कहलाती है, बीओडी। जैसे जैसे बीओडी का अमाउंट रिड्यूस होगा, कम होगा, वैसे वैसे क्या होगा, आप लोगों का वाटर जो है वो क्या होगा, प्योर होता जाएगा, और बीओडी अगर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब देखो 16.3 वाला देखो क्या कह रहा है, ये रेड वाली लाइन जो है इम्प्योर है। अब देखो बीओडी का अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है उसका अमाउंट क्या हो रहा है, अब बीओडी यहाँ पर ब्लू वाली जो बीओडी है, बीओडी जब डाउन होगी तो डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि बीओडी जो है वो कम होगी तो वाटर क्या है, लेस पोल्यूटेड होगा और डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ेगी, यानी कि ये क्या होता है, प्योरिटी को दर्शाता है, ठीक है ना, स्वच्छता को दर्शाता है, ठीक है। ओके, अब देखो क्या कह रहे हैं, द प्रेजेंस फिगर नंबर 16.3 शो सम ऑफ द चेंजेस दैट मे नोटिस डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू द रिवर, ठीक है ना, जो रिवर्स के अंदर सीवेज के डिस्चार्ज को दर्शाता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस, अच्छा उनको माइक्रोऑर्गेनिज्म को डाला गया ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, रिसीविंग द वाटर बॉडी कंज्यूम द लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन डिजॉल्व ऑक्सीजन डाउन स्ट्रीम, अच्छा अब जैसे बीओडी कम होगी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो बढ़ेगी, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज, दिस कॉज मोलैरिटी ऑफ द फिशेज एंड अदर एक्वाटिक क्रिएचर्स, ठीक है ना। अब इससे क्या है कि जो आप लोगों के फिशेज और दूसरे एक्वाटिक क्रिएचर्स हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ जाएंगे, ठीक है।